नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीटेट शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीटेट शिक्षक भर्ती की रिजल्ट डेट जारी करने को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, हेडक्वार्टर की तरफ से डायरेक्ट अपडेट आ रही है रिजल्ट डेट को लेकर। आंसर की में आपको 7 से 8 अंक के बोनस मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 से 8 अंक के आंसर की में बोनस अंक मिलेंगे। नए नियम क्या हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीटेट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सीटेट को लेकर जो अपडेट है, इसी सप्ताह में 4 मार्च को बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा, यानी कि 2 दिनों बाद दोस्तों बोर्ड रिजल्ट जारी कर देगा। CBSE हेडक्वार्टर की तरफ से अपडेट है। CBSE के एक सीनियर अधिकारी ने बयान दिया कि रिजल्ट तैयार हो चुका है, सिर्फ कुछ क्रॉस चेकिंग का कार्य किया जा रहा है, यानी कि रिजल्ट में कोई गलती है, किसी के रोल नंबर गलत है या कोई टेक्निकल इश्यू ना आए, इसको यहाँ पर देखा जा रहा है। और अगले 2 दिन में दोस्तों बोर्ड रिजल्ट जारी कर देगा, क्योंकि रिजल्ट एक दिन में अपलोड किया जाएगा। 30 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इस बार, 32 लाख विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया, इनमें से हालांकि 28 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दी है। पिछले साल की तुलना में दोस्तों इस बार एग्जाम देने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है। पिछली बार 35.5 यानी कि 35.5 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन 26 लाख विद्यार्थी एग्जाम देने गए थे, 26.72, और इनमें से 6,65,000 विद्यार्थियों को सीटेट पास हुआ था, यानी कि 25% पासिंग रिजल्ट रहा था, 24.90। इस बार भी दोस्तों 25% रिजल्ट रहने की संभावना बताई जा रही है, और नतीजे आपके 4 मार्च को बोर्ड जारी करेगा। जी हाँ दोस्तों, सीटेट 2022 इस बार क्वालिफाइंग करना बड़ी चुनौती, 25% रह सकता है रिजल्ट। कंटेंट वाले पेपरों में अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं, एजुकेशन वालों में पिछड़ते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों सीटेट का रिजल्ट आएगा। पिछली बार 24.90% छात्रों ने क्वालिफायर किया था, इस बार दोस्तों देखना होगा कितने छात्र पास होते हैं। रिजल्ट इसी सप्ताह में जारी होगा, और नतीजे दोस्तों आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दरअसल दोस्तों, CBSE बोर्ड ने सीटेट के पेपर का आयोजन आपका 28 दिसंबर से 7 फरवरी तक पेपर का आयोजन किया है। नेक्स्ट सीटेट जुलाई में कराने की तैयारी है, CBSE बोर्ड कर रहा है। तो आप जिन छात्रों का इस बार सीटेट नहीं हो पाया है, अपनी तैयारी करें। फर्स्ट ईयर वाले छात्र भी सीटेट में दोस्तों शामिल किए गए हैं। फाइनल आंसर की में आपको बोनस अंक मिलेंगे। इन छात्रों के 75 नंबर भी हैं, उनका भी सीटेट आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 5 से 7 अंक के बोनस अंक मिलेंगे अगर आपके 82 अंक पर आपको सीटेट पास होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।